एक बार फिर से टीम प्रॉपर्टी पर पटना की तरफ से आप लोगों को प्रणाम। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ, सेक्टर 79 नोएडा का एक फ्लैट है, 3 BHK प्लस सर्वेंट, उसको प्रॉपर्टी पर पटना की तरफ से जिन्होंने लिया है, हमारे तरफ से लिया था। और जो आप इंटीरियर देख रहे हैं, हमारी सब्सिडरी कंपनी जो इंटीरियर्स पर पटना है उसके थ्रू बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ। 3 BHK प्लस सर्वेंट का ये फ्लैट है, 1770 स्क्वायर फुट का, सेक्टर 79 नोएडा, जो कि प्रॉपर्टी फॉर पटना के थ्रू लिया है, हमारे थ्रू लिया है। तो पूरी वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले एंट्री पे आप ये देखेंगे कि पूरा बढ़िया से फ्लैट नंबर 302 नाम, और आज गृह प्रवेश है। तो गृह प्रवेश में गणेश जी की पूरी मूर्ति एक तरीके से आप देखेंगे, प्लस ये एंट्री का है। फिर ये जो इंटीरियर्स आप देखेंगे, इंटीरियर फॉर पटना की तरफ से ये इंटीरियर्स हम लोगों ने किया है। और ये फ्रंट का है, फ्लैट के फ्रंट का ये मेन गेट हो गया, एंट्री गेट फ्लैट का। और ये दो गेट है, एक एंट्री गेट ये हो गया, और ये सर्वेंट रूम का गेट है फ्रंट का। ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले। और ये पूरा फ्रंट जो इंटीरियर्स बनाया हुआ है, इंटीरियर्स फॉर पटना की तरफ से ये इंटीरियर बनाया हुआ है। ये जो आप सोफा देख रहे हैं, इंटीरियर्स फॉर पटना की तरफ से सारे इंटीरियर्स जो देख रहे हैं, ये इंटीरियर्स फॉर पटना की तरफ से बनाया गया है। ये फॉल सीलिंग बहुत खूबसूरत है। ये सामने ग्लासेस जो आप देख रहे हैं, और ये गृह प्रवेश आज है, गृह प्रवेश भी हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। ये फिर LED पैनल हो गया ये मंदिर, जल का पूजन किया है ना, ये जल से प्रोक्षण होगा, प्रोक्षण मतलब घर का प्रोक्षण, आपका प्रोक्षण है ना, आचार्य जी का। और ये बालकनी में ग्रास, आर्टिफिशियल ग्रास ये लगाया गया है बालकनी में। ये इंटीरियर्स फॉर पटना की डिजाइनिंग है, और फ्लैट प्रॉपर्टी फॉर पटना की तरफ से लिया गया है। ये बालकनी से हम व्यू ले रहे हैं, सेक्टर 79 का ये अपार्टमेंट है, उसी का 3rd फ्लोर का, 1770 स्क्वायर फुट का, 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम की ये आज गृह प्रवेश हो रहा है। और उसी फ्लैट को मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये डाइनिंग का एरिया होगा, ये डाइनिंग का एरिया होगा जहाँ पे पूजा हो रहा है। और ये डाइनिंग का हॉल हो गया, ये किचन, ये लाइटिंग आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। और ये किचन, कुकिंग रेंज, ये सब सारा इंटीरियर्स जो है इंटीरियर्स फॉर पटना की तरफ से किया गया। सेक्टर 79 नोएडा का ये फ्लैट है, 3 BHK प्लस सर्वेंट, 1770 स्क्वायर फुट का है। सर्वेंट रूम जाने का किचन से एक रास्ता ये हो गया, और यहाँ पे एक छोटा सा अलग से छोटा सा किचन बनाया गया है, वेज नॉन वेज टाइप का, जो भी यूज करना चाहते हैं अलग से हो गया। और ये सर्वेंट रूम हो गया, छोटा सा सर्वेंट रूम है। और ये सर्वेंट रूम बाहर जाने का रास्ता जो भी दिखाया था मैंने आपको, और सर्वेंट रूम भी अटैच है वॉशरूम से, अटैच वॉशरूम। सर्वेंट रूम के साथ में यूटिलिटी का एरिया है, बालकनी है इसमें आप, और ये सामने पार्क हो गया। ये किचन हो गया, बहुत खूबसूरत किचन हम लोगों ने डिजाइन किया है, बनवाया है। और ये डाइनिंग के पास का एरिया हो गया, जो भूमि का देवता है। ये कॉमन वॉशरूम हो गया, तो ये एरिया देख सकते हैं, डिजाइन किया हुआ पूरा इंटीरियर्स। कॉमन वॉशरूम, ये फर्स्ट बेडरूम हो गया। फर्स्ट बेडरूम में आप ये जो देख रहे हैं बेड पलंग, ये भी हम लोगों का ही डिजाइन किया हुआ है, हम लोगों का ही बनाया हुआ है, इंटीरियर्स फॉर पटना की तरफ से ये बनाया गया है। और ये अलमीरा, इसके बाद ये स्टडी टेबल, कंप्यूटर टेबल, साथ में ड्रेसिंग टेबल कंबाइंड करके ये बनाया गया है। और सेम बेडरूम में ये आपका बेड हो गया, और बेड भी हम लोगों का ही बनाया हुआ, और साथ में ये एक और अलग से वार्डरोब हो गया, इसमें वार्डरोब का एरिया था। और ये फॉल सीलिंग हो गया, ये फॉल सीलिंग हो गया। ये फर्स्ट बेडरूम का मैंने अभी आपको दिखाया है, ये सेकेंड बेडरूम हो गया, इसका बेड का डिजाइन अलग से अच्छे से किया गया है, बहुत बढ़िया डिजाइन बनाया गया है। ये बेड का देखेंगे आप, ये भी यहीं पे बनाया है, इंटीरियर्स फॉर पटना की तरफ से ये बनाया गया है।
फिर वार्डरोब का एरिया हो गया, और वार्डरोब के साथ आपका ये ड्रेसिंग टेबल, ये फॉल सीलिंग, इस फ्लैट का बहुत खूबसूरत पार्ट ये बालकनी है, क्योंकि बहुत बड़ा बालकनी है ये पूरी बड़ी बालकनी है, और ये फिर बालकनी से व्यू है आपका पार्क का, और बेडरूम के साथ ये अटैच वॉशरूम, ये 3 बेडरूम प्लस 3 अटैच वॉशरूम प्लस सर्वेंट रूम, और सर्वेंट रूम के साथ भी अटैच वॉशरूम, यानी 4 वॉशरूम है। ये थर्ड बेडरूम हो गया, तीसरा बेडरूम हो गया ये फॉल सीलिंग, सब हर एक बेडरूम का अलग तरीके से फॉल सीलिंग किया गया है, हर एक तरह से डिजाइन किया गया है। ये राधा कृष्ण का ये अलग से POP से बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत है राधा कृष्ण का ये डिजाइन, साथ में बेड हर एक रूम का जिस हिसाब से साइज है उस हिसाब से बेड को डिजाइन किया गया है, ड्रेसिंग टेबल को डिजाइन किया गया है, ये ड्रेसिंग टेबल हो गया, और साथ में बेडरूम में अलग से एक LED पैनल बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है वुडन फ्लोरिंग के साथ में। पहले भी बताया था कि टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना की तरफ से ये फ्लैट जिन्होंने लिया है, और इंटीरियर्स जो कराया गया इंटीरियर्स फॉर पटना की तरफ से करवाया गया है, तो आप भी इंटीरियर्स वगैरह करवाना चाहते हैं या फ्लैट नोएडा पटना दिल्ली NCR में कहीं पे भी आपको परचेज करना है पटना में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी फॉर पटना के।